पर फिर मैं आपके बीच में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, और जो है फ्रीलांसर के बारे में, और फ्रीलांसर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि कैसे हम फ्रीलांसर होके नए नए प्रोजेक्ट्स ढूंढ पाएँ, वो भी काफ़ी आसानी से। तो दोस्तों, जब भी बात होती है तो फ्रीलांसर के बारे में, तो हम अपवर्क और फाइवर या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, बट आज हम इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। फिर भी हम देखेंगे कि कैसे एज अ फ्रीलांसर आपको नए नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है त्रिलोक सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल मार्केटर त्रिलोक पे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं, जहां पे हम बात करेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जहां से आपको फ्रीलांसर होकर हो तो आपको वर्क मिल पाए, वो भी काफ़ी आसानी से, अदर देन कि आप इन सारे प्लेटफॉर्म जो मैंने बताया उसके को छोड़ के। तो हम थोड़ा डिफरेंट आज का टॉपिक, तो चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है, हु इज़ अ फ्रीलांसर, फ्रीलांसर कौन होता है। अगर आप नए हैं, अगर आपको नहीं पता फ्रीलांसर के बारे में, तो एकदम स्टार्ट से मैं बेसिक से बता रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा बेटर नॉलेज हो पाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, ताकि आपकी कोई भी चीज़ें मिस ना हो पाए। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि कौन होता है फ्रीलांसर। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी लाइक डेफिनेशंस पे नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आसान भाषा में कोई भी चीज़ें समझा पाऊँ आपको। तो देखा जाए, जैसे एक पर्सन है, कोई भी एक बंदा है, उसे लोगो बनवाना, जस्ट मैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो उसे लोगो बनाना है, बट उस क्लाइंट को ये नहीं पता कि कैसे बनाना, कैसे लोगो बनेगा। तो वो क्या करता है, उस लोगो को डिज़ाइन करवाने के लिए पहले तो वो सोचता खुद करे, बट उसे तो आती नहीं ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, अब क्या करे। तो वो क्या करता है, किसी ऐसे बंदे को ढूंढता है जो उसके लिए उसके बिहाव में वो काम कर पाए। तो वो जो बंदा होता है, उस तरह के बंदों को हम फ्रीलांसर कहते हैं। तो ये फ्रीलांसर के पास आता है, अपना आइडिया बताता है और बोलता है कि मुझे एक लोगो चाहिए। तो वो क्या करता है, उसके बिहाव में ये लोगो डिज़ाइन करके देता है। तो ये लोगो डिज़ाइन जब करके देते हैं, तो ये एक तरह से उसके लिए फ्रीलांसिंग काम उसने कर दिया। सो फ्रीलांसर एक ऐसे होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं, बट किसी भी एम्प्लॉयर, किसी भी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म नहीं जुड़े होते, बट डिपेंड करता है कि सब फ्रीलांसर के ऊपर। वो चाहे तो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद छोड़ सकते हैं, या चाहे तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी कंपनी के साथ कर सकते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर। तो आई होप इससे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या किसे फ्रीलांसर कहते हैं। तो फ्रीलांसर जैसे इसके किसी के बिहाफ में कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो फ्रीलांसर होते हैं, और उसके रिस्पॉन्स में वो पैसा लेते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन बी अ फ्रीलांसर, कौन है जो है फ्रीलांसर बन सकता है। तो वेन यू हैव अ स्किल दैट यू कैन हेल्प अदर्स, तो आपके अंदर में कुछ ऐसे स्किल्स है जो किसी दूसरों की काम आ सकती है, उसकी मदद कर सकती है। जैसे कुछ एग्जांपल के बारे में बताओ तो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, तो बहुत सारे लोगों को लोगो डिज़ाइन कराता है, बहुत सारे जो ग्राफिक्स करवाते, बहुत सारे इमेजेस डिज़ाइन करवाते, तो वो काम एज अगर आपको आता है तो आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें आती है, अगर आप डिजिटल मार्केटर हो तब भी आप कर सकते हो फ्रीलांसिंग। वेब डेवलपमेंट का काम आता है तब भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं जो आपके अंदर, अगर किसी तरह की स्किल्स है जिससे किसी अदर लोगों की मदद हो पाए या कुछ वैल्यू प्रोवाइड करे, तो वैसी स्किल्स अगर है तो आप एज फ्रीलांसर काम कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे घर बैठे कमा सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो क्या है, तो वेन यू हैव अ गुड मैनेजमेंट स्किल्स, तो मैनेजमेंट स्किल्स अगर अंदर आपकी है, अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स, फिर भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं विदाउट स्किल्स। ऐसे मैनेजमेंट स्किल्स भी एक स्किल ही है, तो अगर आपके ऐसे स्किल्स हैं तो ये सेकेंड नंबर पे आती है। तो इस पर हम आगे बात करेंगे कैसे होगा। अब जो नेक्स्ट आता है, वेन वी स्टार्ट फ्रीलांसिंग, तो क्या होता है, जब जैसे हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो हम क्या सोचते हैं एज अ फ्रेशर, जैसे हर फ्रेशर की तरह होता है, हम सोचते हैं बस पैसा ही पैसा, बस फ्रीलांसिंग मैंने सीख लिया, मेरे अंदर स्किल्स है, अब पैसा ही आना स्टार्ट हो जाएगा। बट क्या एक्चुअली में ऐसा होता है? अगर आप फ्रीलांसर हो, आपको भी पता होगा कि ये चीज़ बहुत टफ होती है कि आपको मतलब कोई प्रोजेक्ट मिल पाए, क्योंकि आज कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर लोग खड़े हैं एक दूसरे के लिए। कोई भी प्रोजेक्ट आता है, 10 लोग खड़े, तो कैसे आप प्रोजेक्ट्स ले पाएंगे। तो अब इसी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम कैसे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लेंगे। होल्ड ऑन, हाउ टू गेट फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, तो बात है कि कैसे अगर आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले जो माइंड में आता है कि चलो ठीक है, हम अपवर्क पे काम कर लेंगे, फाइबर पे काम कर लेंगे, इसी तरह के कुछ प्लेटफॉर्म्स पे काम कर लेंगे और हमें बहुत आसानी से फ्रीलांसिंग वर्क मिल जाएगा। बट स्टॉप,
आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट अदर ऑप्शंस के बारे में। ये तो जनरली आपको यूट्यूब्स में बहुत इजीली मिल जाएगा, बट अदर ऑप्शंस के बारे में जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज। तो आता है कि हाउ टू गेट फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स आपको कैसे मिल सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है सोशल मीडिया। आजकल सोशल मीडिया देखिए, आप देख सकते हैं कितने सारे लोग सोशल मीडिया पे ऑलरेडी अवेलेबल है, बट हमारा मैक्सिमम चीज़ें क्या होता है कि हम सोशल मीडिया में फेसबुक को जनरल पर्सनल यूज के लिए भी करते हैं और बिजनेस के लिए भी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स लेने के लिए भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, कोई भी सोशल मीडिया को भी यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कैसे करेंगे, तो मैं अभी जस्ट एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए आपको कैसे एज अ फ्रीलांसर वहाँ से प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं कि हाँ मुझे चाहिए। अगर एक अमाउंट में अगर मुझे पास कमेंट आते हैं, 10-15 कमेंट्स भी आते हैं, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा ताकि आप बहुत आसानी से फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ले पाएं। तो चलिए हम एग्जांपल में देखते हैं, चलिए इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरे ये आप एक इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, मैं अपनी प्रोफाइल की ओर चला जाता हूँ। तो ये इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, इसको मैं थोड़ा ग्रो कर लेता हूँ और बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए जैसा आप देख सकते हैं यहाँ क्या हुआ, मार्केट है त्रिलोक। अब सोशल मीडिया, तो ये सोशल मीडिया के ऊपर मैं क्या करता हूँ, इंस्टाग्राम्स की ग्रोथ है, ग्रोथ के लिए काम करता हूँ, फेसबुक एड्स के पे काम करता हूँ, सोशल मीडिया टिप्स देता हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये चीज़ें मैंने अपने बारे में बताया कि मैं ये जानता हूँ, मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। अब बात आती है कि हमें प्रोजेक्ट्स कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज़, अगर मैं एज अ डिजिटल मार्केटर हूँ और डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स लेना चाहता हूँ तो मुझे कैसे मिलेंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि पहले आप वैसे फॉलोअर्स को, वैसे लोगों को अपने प्रोफाइल तक लेके आएं, ठीक है। अगर वैसे लोग जिसे ज़रूरत है डिजिटल मार्केटिंग की, तो वैसे भी हो सकते हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग सीखना हो, वैसे भी हो सकते हैं जिनके पास प्रोजेक्ट्स और वो शेयर करना चाहते हो, बट कैसे आप उनके साथ मिलोगे, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही होता है कि क्लाइंट तक कैसे पहुँचा जाए। तो अगर आपकी प्रोफाइल है और आपके पास रिलीवेंट उससे मिलता जुलता अगर ट्रैफिक है, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं इंस्टाग्राम से। अब कैसे करना है, आपने प्रोफाइल बना ली, अब मैं बात करता हूँ चलो इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं तो मैं क्या करूँगा, इंस्टाग्राम के ऊपर हैशटैग इंस्टाग्राम चला जाऊँगा, कोई भी मैं एक इंस्टाग्राम का हैक्स खोल लेता। चलिए मैंने एक टैग खोल लिया, हैशटैग खोल लिया, इसके ऊपर देख सकते दिखाते मैं आगे क्या क्या होता है। ये खुल गया हैशटैग, अब क्या है हम इस पर देखेंगे जो रिलीवेंट है हमारे डिजिटल मार्केटिंग से, जैसे ये सब जो पिक्चर्स है आप देख सकते हैं, ये तो रिलीवेंट हमारे लिए नहीं है। अब रिलीवेंट क्या है, ये इंस्टाग्राम का फीचर्स, इंस्टाग्राम ग्रोथ टूल्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर जाएंगे, ये देखा। तो अब जब मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ, ये तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, कौन से लोग यहाँ पे ये पोस्ट देखेंगे, जिन्हें जिसे इंस्टाग्राम में इंटरेस्ट हो, या इंस्टाग्राम के ग्रोथ में इंटरेस्ट हो, या डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो। तो यहाँ पे वैसे लोग भी बहुत से मिलेंगे जो इंटरेस्टेड हो। देखिए यहाँ पे कमेंट्स बहुत से लोगों ने किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आप जाके इनसे इंटरेक्ट कीजिए, यहाँ पे कमेंट करिए, तो ये लोग क्या आपके प्रोफाइल में आएंगे, आपके कमेंट्स देख के आपको फॉलो करेंगे, एंड फॉलो करेंगे तो उससे आपका एक नेटवर्क स्टार्ट हो सकता है। और सबके साथ जो भी आपको पसंद आए, जो लगे कि नहीं आपके काम का है, उनके साथ आप लाइक एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं और अपने कॉन्टैक्ट में ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपको पोस्ट मिल जाएंगे यहाँ पे जो कि आपका डिजिटल मार्केटिंग से। इसी तरह आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, अगर आप ग्राफिक्स डिज़ाइनर हैं तो मैं यहाँ पे ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सर्च करता हूँ, मैं आपके सामने थोड़ा देखिए ग्राफिक्स डिज़ाइन के ऊपर भी आ गया। मैं ग्राफिक्स डिज़ाइन पे जाऊंगा, तो क्या है कि यहाँ से जाके आप इंटरेक्ट कर सकते हैं अपनी तरह के लोगों के साथ। देखिए यहाँ पे वैसे लोग हैं जो सिर्फ ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड है, तो आपको लोग वहीं मिलेंगे जहाँ पे वैसे इंटरेस्ट के लोग हैं। अब ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का अगर आपका स्किल्स है तो आपको ग्राफिक्स डिज़ाइनर्स लोग के पास ही जाना होगा, वहाँ पे ही लोग आके कमेंट्स करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, इंस्टाग्राम से आपको नेशनल प्लस इंटरनेशनल क्लाइंट्स दोनों मिल सकते हैं। आपको बस करना ये है कि सबके साथ, मतलब जो जो अच्छे लगे कुछ कुछ के साथ आपको इंटरेक्ट करते जाना। इंटरेक्ट करने के बाद आपको खुद ब खुद रिक्वायरमेंट समझ में आएगी। बहुत सारे लोग तो अपनी रिक्वायरमेंट डायरेक्टली यहाँ पर कमेंट करके भी बताते हैं आपके पोस्ट के ऊपर डायरेक्टली। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा, अगर जैसे मैंने फेसबुक की बात करूँ, जैसे मैंने फेसबुक ये कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। चलिए इस बार मैं क्या करता हूँ, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग को ही लेके चलता हूँ। फेसबुक पे कैसे हम ग्राफिक्स डिज़ाइनर के लिए
सर्च कर पाएंगे कि हमारा काम कैसे है, वैसे लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए सर्च ऑन फेस सर्च फेसबुक, तो यहाँ पे जाना है, हम सर्च फेसबुक पे, यहाँ लिखना है ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइन फ्रीलांसर, ठीक है। यहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ें मिल जा रही है आपको ऑलरेडी, आपको आजकल तो फेसबुक बहुत एडवांस हो गया है जो आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक जगह पर दे देता है। अब यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है, देखिए यहाँ से ये ग्रुप है, 753 फॉलोवर्स है। चलिए हम ग्रुप के, एक्चुअली हमें जो जाना है वो ग्रुप्स के ऊपर जाना है। देखिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड फ्रीलांसर कितना ग्रुप में, 111,000 लोग इसमें, 29,000 लोग इसमें है, 2,37,000 लोग इसमें है मेंबर्स है। तो ऐसे ऐसे ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद यहाँ से आपको काफ़ी सारी ऐसी रिक्वायरमेंट आएंगी जहाँ से आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं, चाहे वो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का हो, वेब डेवलपमेंट का हो, डिजिटल मार्केटर का हो, हर एक तरह की स्किल, जो आपकी स्किल सेट है उसी को आप सर्च करें और वैसे ग्रुप को जुड़े और उनके साथ कनेक्ट करें ताकि आपका एक खुद का नेटवर्क क्रिएट हो पाए। और उसके बाद हमें थर्ड सेकंड चीज़ क्या है, पर्सनल ग्रुप्स। आप पर्सनल ग्रुप बना सकते हैं, इंटरेक्ट विद द पीपल, स्टार्ट मेकिंग ग्रुप्स। तो क्या होता है कि अब जब जिससे बात होगी, एक प्रोजेक्ट उठाया आपने, उसके साथ क्या करेंगे, उनके प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे। अब क्या होगा, प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद वो उसके साथ अच्छी रिलेशनशिप बन जाएगी। तो उनके साथ क्या, एक तो वो आपके रेफरेंस अच्छे देंगे जो कि आपका एक क्रेडिबिलिटी क्रिएट, क्रेडिबिलिटी बाय डिलीवरिंग गुड रिजल्ट्स। तो अच्छे रिजल्ट्स देने के बाद आपकी अच्छी ट्रस्ट क्रिएट हो पाएगा। और वैसे जब आपको कुछ लोग मिल जाते हैं कंटिन्यू प्रोजेक्ट्स करने के बाद, तो उनका एक ग्रुप बना सकते हैं जो ग्रुप में इंटरेक्ट कर सकते हैं उनके साथ, या उनके ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो क्या होता है, एक तरह से एक कनेक्टेड थिंग से एक से दूसरे तीसरे जुड़ते जाते हैं और आपको प्रोजेक्ट्स मिलते जाते हैं। और जितना समय, फ्रीलांसिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम, तो अगर एक बार इस फील्ड में है तो आपका ट्रस्ट बिल्डअप होते चला जाएगा और आपको अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और जितना समय देंगे उतना ज़्यादा आपके आपका आसान होगा काम, और उतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं विदाउट किसी भी प्लेटफॉर्म्स में जाए। अब बात आती है कि अगर आपके पास स्किल्स, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या स्किल्स है, तो अगर आपके अंदर एक स्किल है, व्हेन यू हैव अ गुड मैनेजमेंट स्किल, तब क्या कर सकते हैं। अगर समझ में, मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि, जैसे मेरे पास ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग नहीं है, टेक एन एग्जांपल कि अगर नहीं है, ठीक है, तो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के लिए क्या करना होगा, मैं किसी ग्राफिक्स डिज़ाइनर के साथ कनेक्ट हो पाऊंगा, हो जाऊंगा एज अ फ्रीलांसर, वो है तो मैं उसके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा, 2-3 ग्राफिक्स डिज़ाइनर पकड़ूंगा, उनके साथ डील करूंगा कि आपके प्रोजेक्ट्स है तो मुझे, मैं आपका कुछ परसेंटेज रख के आपको प्रोजेक्ट्स दूंगा। तो फ्रीलांसर भी रेडी, उनको घर बैठे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आप भी रेडी, आपको घर बैठे पैसा मिल जाएगा विदाउट कोई काम किए, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बेसिस पे। तो क्या होगा, आपको करना क्या है, बस क्लाइंट के साथ जो मैंने पिछला तरीका बताया कि कैसे इंस्टाग्राम फेसबुक यूज़ करके क्लाइंट से कनेक्ट हो, वहाँ से प्रोजेक्ट आए और फ्रीलांसर को ट्रांसफ़र कर दे और प्रोजेक्ट्स उनके पास रिसीव करें और फिर आप क्लाइंट को दे सकते। इससे क्या होगा कि आप क्या होंगे, यू विल ब्रिंग प्रोजेक्ट्स एंड ही विल वर्क ऑन फॉर योर मीन्स फॉर यू ही विल वर्क फॉर यू वो आपके लिए काम करेगा एंड आप उनके बिहाफ में प्रोजेक्ट्स करोगे। मतलब लाइक ऐसा है कि क्लाइंट से मैंने प्रोजेक्ट लिया, मैंने अपने फ्रीलांसर्स को दिया अपना कमीशन रख के, अब वो काम करके मुझे डिलीवर करेंगे, मैं क्लाइंट को डिलीवर करूँगा। इससे क्या होगा, विदाउट स्किल्स मैं बस मैनेजमेंट के बेसिस पे भी अर्निंग करना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ बेसिक तरीका है। एंड अगर आपको लगे कि नहीं, अभी जैसे मैंने बताया आपको ऊपर का तरीका, इंस्टाग्राम और फेसबुक ये सब चीज़ें कैसे काम करते हैं, कैसे हम अपने अच्छे अच्छे क्लाइंट्स निकाल सकते हैं, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके कुछ काम आएगी और इससे आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। एंड आप अगर पसंद आया वीडियो, प्लीज़ लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।